जैसे कि ये सैंडविच लाइन है, इस सैंडविच लाइन के अंदर अगर आपके पास ब्रेड प्रोडक्शन ऑलरेडी है तो आप सैंडविच के लिए एक फ्री लाइन लगा सकते हैं। इसके अलावा पॉकेट सैंडविच है, ब्रेड क्रम्स मशीन है, बंस मेकिंग मशीन है, जो ऐसे प्रोडक्ट जिनका ताल्लुका सीधा सीधा ब्रेड से है और थोड़ी सी वैल्यू एडिशन के साथ साथ ही हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपको मैं लेके पहुंचा हूं डायरेक्ट यशोभूमि में, और यहां पर आपके लिए लगा है वन ऑफ द बिगेस्ट पैकेजिंग रिलेटेड एग्जीबिशन और फूड रिलेटेड कम्प्लीटली यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलेंगे। और सबसे खास बात आज रहने वाली है, अगर आप लोग किसी भी तरीके का बेकरी से रिलेटेड बिजनेस करने की सोच रहे हैं, आपके जो डेली यूज में आने वाली चीज रस और ब्रेड इसका फैक्ट्री सेटअप लगाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे खास रहने वाली है, क्योंकि आज आपकी खोज यहीं पे खत्म होती है। लेके पहुंचे डायरेक्ट कंपनी के पास बैकवेल, और ये पूरा इसी तरीके का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाली है। सर से पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे किस तरीके से है प्रोडक्ट और किस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट आपको ये बना के देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं। सो हाय सर। हाय। तो सर एक इंट्रोडक्शन दीजिए और जो फैक्ट्री सेटअप है आप लोगों का ब्रेड एंड रस के लिए बारे में प्लीज बताइए। मेरा नाम रजत नागपाल है, आई एम इंट्रोड्यूसिंग बैकवेल मशीन्स हियर। हम लोग 1997 से ब्रेड और टोस्ट के प्लांट्स लगाने में हेल्प कर रहे हैं। हम लोग की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं जहां पर आपको लेआउट प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, कमर्शियल प्रोडक्शन, रेसिपी हैंडलिंग, सेल्स के अलावा जितना भी आपका ऑपरेशंस है वो हम लोग हमारी टीम के हिसाब से हम ऑपरेट कर लेते हैं। जो प्रोडक्ट या प्रोडक्शन कैपेसिटीज की हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं ब्रेड और रस की, और चूंकि ब्रेड और रस के कॉमन और एक जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें वॉल्यूम्स की गेम ज्यादा रहती है। तो मिनिमम ब्रेड प्रोडक्शन की बात करें तो 1000 पैकेट्स ऑफ 400 ग्राम्स या 1500 पैकेट्स ऑफ ब्रेड पर आवर से लेकर हम लोग 5000 पैकेट्स ऑफ ब्रेड तक का प्रोडक्शन लाइन आपको दे सकते हैं। टोस्ट की बात करें रस की तो यहाँ पर आपको 200 kg पर आवर से लेकर हम लोग 500 kg, 600 kg, 1000 kg पर आवर तक की टोस्ट की लाइन दे सकते हैं। मतलब कंप्लीट सेटअप आप लगा के दे रहे हैं। यस तो और बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं जैसे ब्रिटानिया या पार्ले जैसे इंडस्ट्रीज हैं, या उसके अलावा जो छोटे सेगमेंट्स हैं, छोटे बेकरीज हैं, वो लोग भी हमारे साथ आज तक जुड़े हुए हैं और उनको हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं। और बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स जिनको ब्रेड और रस की फैक्ट्री प्रोडक्शन में हेल्प चाहिए होती है और उसकी एक्सटेंशन वर्जन में जहाँ पर सैंडविचेस लाइन, पॉकेट सैंडविच लाइन, ब्रेड क्रम लाइन, जहाँ पर ब्रेड इंडस्ट्री के साथ साथ हम लोग और चीजों को भी कैटर कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि जीरो वेस्टेज में आप बिलीव करते हैं कोई भी चीज। हाँ, मतलब बाय प्रोडक्ट्स आपके वहीं के वहीं यूज हो सकते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। So, दोस्तों चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। और भी काफी इन्फॉर्मेशन है सर से लेने वाले हम जो वीडियो में, और मशीनरीज के भी बारे में बात करने वाले हैं, फैक्ट्री सेटअप का भी पूरा लेआउट से रिलेटेड हर एक चीज दिखाएंगे। और जो भी इससे रिलेटेड नया जुड़ रहा है इस वीडियो पे, इसको ज्यादा शेयर करके जाइएगा आप लोग, ताकि आपके लिए ऐसी इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव बिजनेस आइडिया वीडियोस आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर बात करते हैं जो प्रोजेक्ट के बारे में आप दिखाने वाले थे, तो प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार में बताओ हमारी। देखिए प्रोजेक्ट कुछ नहीं, ब्रेड जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें मैदा छानना भी जरूरी है, मिक्सिंग भी जरूरी है, जहाँ पर बेकिंग जरूरी है, प्रूफिंग भी जरूरी है, कूलिंग भी जरूरी है। तो वी जनरली फोकस ऑन अ कंप्लीट प्रोजेक्ट थिंग, जहाँ पर वी आर टेकिंग केयर ऑफ द रॉ मटेरियल, टेकिंग केयर ऑफ द मेकअप लाइन, प्रूफिंग सिस्टम्स, ओवन सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, और बहुत इंडियनाइज प्रोजेक्ट्स होते हैं। मतलब बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकी नहीं है। अगर हम कहीं स्टार्टिंग कॉस्ट की बात करें तो 60-70 लाख रुपए के अंदर हम लोग एक प्लांट स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर हमें अच्छी प्रोडक्शन हर एक ब्रेड फैक्ट्री के अंदर हम लोग जा रहे हैं। और अगर यही प्लांट्स अगर हम ऑटोमेटिक और बाहर के प्लांट्स की बात करें तो कोई 10 करोड़ की या 5 करोड़ की लाइन्स की बात यहाँ पर होती है। तो इंडियनाइज सॉल्यूशन जो हम ऑलरेडी लोगों को दे रहे हैं फॉर ब्रेड एंड टोस्ट प्रोडक्ट्स, इसके लिए पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाता है। अगर हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की बात करें तो स्विंग ट्रे ओवन, स्विंग ट्रे प्रूफर्स, आपके मिक्सर्स, योर कूलिंग सिस्टम्स, जितनी भी प्रोसेसिंग जहाँ पर आपकी स्लाइसिंग सिस्टम, जहाँ पर आपकी प्रोसेसिंग जरूरी है, उसको टेक केयर किया जाता है ताकि आपकी क्वालिटी मेंटेन रहे, आपकी प्रोडक्शन हैम्पर ना हो। तो ऑटोमेशन से पहले हम लोग क्वालिटी में बिलीव करते हैं, और क्वालिटी आपकी बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगी, इसके लिए दोबारा आपको ऑटोमेशन पर ध्यान देना होगा। तो जस्ट स्टार्टिंग के लिए इट इज गुड इफ यू हैव अ स्मॉल एंड अ सिस्टमैटिक प्लान फॉर ब्रेड एंड टोस्ट स्पेसिफिक। तो अभी जो स्टार्ट कर रहा है इनिशियली, तो उसके लिए बेस्ट हो सकता है कह सकते हैं हम लोग। बेस्ट है, मतलब उसको किसी भी तरह की आउटसोर्स हेल्प की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग हाथ पकड़ के उसका प्लांट लगवा सकते हैं। और वहाँ पर हम लोग के जो डिमांड रहती है कि उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी या सेल्स कैपेसिटी को डिटरमाइन करना जरूरी है, अपने रीजन में इस प्रोडक्ट को कितना बेच सकते हैं, ये आपकी मार्केट रिसर्च जरूर लगेगी। लेकिन आपका जो भी वहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग आएगा या जो भी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट आएगी, वहाँ पर हम आपको एक मिनिमम बजट में आपके अपने बजट में एक प्लांट इंस्टॉल करके दे सकते हैं। ठीक
ठीक है, मतलब अंडर टू बजट जो जैसा भी हमारा सर्विसेज हमें चाहिए वो सारी भी सर्विसेज रहेगी। एग्जैक्टली, उसके अंदर आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी कहीं पर हैम्पर नहीं होगा, प्रोडक्शन जो है आपकी फास्ट लो या ज्यादा और कम हो सकती है। ठीक है, तो अभी तो सेटअप की बात तो ये हो गई, अगर बात करें हम आगे इसकी कि हम इसको बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, कैसे। वंडरफुल क्वेश्चन, मैं तो ये कहूंगा कि ब्रेड क्योंकि एक बहुत ही जेनरिक प्रोडक्ट है, तो हम ब्रेड के साथ साथ ऐसी लाइन्स में भी आए हैं जो कि ब्रेड के एक्सटेंशन लाइन जिसको हम बोलेंगे, जैसे कि ये एक सैंडविच लाइन है, इस सैंडविच लाइन के अंदर अगर आपके पास ब्रेड प्रोडक्शन ऑलरेडी है तो आप सैंडविच के लिए एक पूरी लाइन लगा सकते हैं। इसके अलावा पॉकेट सैंडविच है, ब्रेड क्रम्स मशीन है, बंस मेकिंग मशीन है, जो ऐसे प्रोडक्ट जिनका ताल्लुकात सीधा सीधा ब्रेड से है और थोड़ी सी वैल्यू एडिशन के साथ साथ ही हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि हम लोग ज्यादा मार्जिन या ज्यादा प्रॉफिट्स मार्केट से उठा सकते हैं। तो जो भी है आपने बोला कि मैं थोड़ा सा मैनुअली रहता है, तो आउटपुट की बात करें तो और इसमें जो ऑटोमेटिक में और इसमें जाके ना, जब हम लोग बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की बात करेंगे तो मैनुअल देना इम्पॉसिबल है। अगर हम 5000 ब्रेड पैकेट्स पर आवर की बात करते हैं तो वहाँ ऑटोमेशन में जाना हमारी मजबूरी बन जाती है, और जहाँ तक हम 1000, 1500, 2000 पैकेट्स पर आवर की बात करते हैं, हम लोग एक सेमी ऑटोमेटिक सिचुएशन पर जा सकते हैं जहाँ पर आपका बजट फ्रेंडली और मिनिमम लेबर के साथ हाइजीन मेंटेन करते हुए प्रोसेसेस को कंट्रोल रखते हुए आपका एक प्लांट पूरा लग जाता है। तो ब्रेड्स का और टोस्ट का सेम ही प्लांट होता है, एक ही प्लांट पे कर सकते हैं? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं सबको बताना चाहूंगा कि ब्रेड एंड टोस्ट का प्लांट काफी हद तक कॉमन होता है, जहाँ पर ब्रेड को हम दोबारा बेक करते हैं तो वो टोस्ट कहलाता है, इसी का मतलब टोस्ट होता है, टोस्टिंग ऑफ समथिंग। तो ब्रेड और रस्क के प्लांट पे मशीनरी का सेटअप मोर और लेस 15-20% के चेंजेस के अलावा सेम रहता है, इसलिए हम लोग ये सिमिलर लाइंस को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब कर उसमें भी हम एडजस्ट कर सकते हैं वो चीज़। yes. तो अपना कॉस्ट ब्रेड के अलावा आप उसके अंदर बंद पाव, कुलचा, बेकरी बंस, पिज्जा बेस, इस तरह की कोई भी खमीर की आइटम भी बना सकते हैं। तो सर मेन चीज ये भी रहती है कि हाइजीन का आजकल लोग बहुत ध्यान देते हैं कि अगर प्लांट कोई लगा रहा है तो उसमें हाइजीन के लिए कैसे कैसे चीजें दी गई, क्वालिटी और हाइजीन। हाँ, अगर हम लोग दोनों चीजों को मैनेज करके चलेंगे तभी हमारा प्रोडक्ट बेहतरीन हो पाएगा। तो क्वालिटी और हाइजीन पर हमारा फर्स्ट फोकस है, ऑटोमेशन और प्रोडक्शन लाइन पर हमारा फोकस लेटर ही रहता है, क्योंकि जो चीज हम खुद खा सकते हैं या अपने घर पर खिला सकते हैं हम वही चीज प्रोड्यूस करके मास्क बनाना चाहेंगे, यही हमारा टारगेट भी रहता है। ठीक है, तो और कुछ जो सर्विसेज आप लोग हम टीवी में देख रहे हैं तो इसमें कुछ और हमें दिखा सकते हैं कि जो ऑडियंस देख सके किस तरीके से प्लांट्स में देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप अगर ये देखेंगे तो दिस इज अ कंप्लीट बर्गर लाइन, ये हमारी इंपोर्टेड लाइंस होती हैं जो कि हम लोग यहाँ पर हैवी प्रोडक्शन बर्गर लाइंस को सपोर्ट करते हैं, 10,000 पीसेस, 15,000 पीसेस, 12,000 पीसेस पर आवर के। इसके अलावा जो हमारी स्टैंडर्ड लाइंस हैं वो तो चल ही रही हैं, जो हमारे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हम लोग बात करें तो सैंडविच लाइन, जैसे हम लोग पॉकेट सैंडविच की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा विदेशों में खाया जाने वाला अच्छा प्रोडक्ट है जिसको लोग लाइक करते हैं। तो इसकी सिंगल पैकिंग करके इसके वेस्टेज को क्रम्स बना के हम लोग जीरो वेस्टेज के साथ अपने ही ब्रेड प्लांट के अंदर एनहांसमेंट कर सकते हैं। और जो हमारी स्टैंडर्ड लाइंस हैं ब्रेड की वो तो चल ही रही हैं। तो आउटपुट मतलब अच्छा खासा आने वाला है पर डे के हिसाब से अगर देखें तो? आप सिर्फ नंबर्स मैच कीजिए सेल्स के और आउटपुट की प्रोडक्शन की जिम्मेदारी हमने, क्योंकि ये तो डेली यूज में आने वाली चीज है तो इसमें तो कोई ऐसा है नहीं। प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड जो है वो कंटिन्यूसली टू डिजिट ग्रोथ में बढ़ रही है, और अगर हम बात करें कंजम्पशन की तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में भी नाना करते 25-30 लाख ब्रेड पैकेट की कंजम्पशन हो जाती है। तो जब इतना ह्यूज हमारे पास हैबिट और कंजम्पशन है तो व्हाई नॉट जस्ट टर्न दिस प्रोडक्ट, हम लोग अपना एक सेटअप लगा के अपने ब्रांड के साथ जो एक गैप है क्वालिटी का, ब्रांडिंग का, उसको फुलफिल करते हुए हम लोग एक ब्रेड और टोस्ट के साथ साथ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के प्लांट्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ और जो हम देख सकते हैं आपकी सर्विसेज और क्या देखना? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वी पीपल डोंट बिलीव इन कैटलॉग्स, हम लोग की प्रोजेक्ट फाइल्स होती हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपकी एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार होती है जिसके अंदर हम आपको कम्प्लीटली एक लेआउट बनाकर देते हैं। इस लेआउट के अंदर आपका कैसे प्रोजेक्ट बनेगा, आपकी मशीनरी कहाँ पर रहेगी, ये पूरे सिस्टम में हम आपको लगा कर देते हैं। इसके साथ साथ हम आपको पूरे प्रोजेक्ट की लिस्टिंग करके देते हैं जहाँ पर आपके पास क्या प्रोडक्ट्स आने चाहिए और क्या आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, मतलब डेली यूज में आने वाली जितनी भी चीजें हैं और जो भी लाइफ स्टाइल आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी आइटम जो आपको चाहिए वहाँ पर हम लोग आपको वो लगा कर देंगे, ताकि आप ब्रेड और टोस्ट की प्रोडक्शन में अपना ऑपरेशंस आपके वहाँ पर रुके नहीं और आपकी क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहे। बस आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, बाकी सारी सर्विसेज आप देने वाले हैं। लैंड कैपिटल एंड द सेल्स गारंटी, हाँ, दीज थ्री थिंग्स आर डिमांडेड। तो कितने टाइम तक हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसमें कवर कर सकते हैं अपना काइंड ऑफ बजट? इफ आई से कि अगर हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग अच्छी है और सेल्स रहती है
तो विद इन वन ईयर स्पैन ऑफ टाइम हम लोग पे बैक ले सकते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में 1.5 साल या 2 साल का पे बैक भी आ सकता है। बट तो हम लोग लिमिटेड सर्विसेज पे काम करते हैं, लिमिटेड सर्विसेज जो कि बहुत ह्यूज मार्केट को कवर करती हैं। सो यू कैन सी वी हैव अ ब्रेड लाइन, वी हैव अ रस्क लाइन, एंड ऑल्सो इफ यू आर इनटू फूड मैन्युफैक्चरिंग एनी काइंड ऑफ टेक्निकल कंसल्टेंसी एंड ऑटोमेशन एक्सपर्टीज ऑल्सो गिवन बाय अस। तो हम लोग 25 साल से इस बिजनेस में है, 40 ईयर्स का हम लोग को इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। आज की डेट में हम लोग जितने भी ब्रांड्स को सर्व कर रहे हैं उसके साथ साथ बहुत सारे लोकल ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ साथ हमारे साथ ग्रोथ किया है। तो ये आपकी सर्विसेज पैन इंडिया रहती है सर? पैन इंडिया एंड ग्लोबली आल्सो। हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं एंड वी हैव टाई अप्स विद टेक्निकल नो हाउ विद डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज आल्सो। ठीक है, तो काइंड ऑफ अगर बात करें और इसमें कोई सारी चीज आपने बताई है तो कोई कनेक्ट करता है तो उसके लिए कैसे जुड़ सकता है कोई आपसे फैक्ट्री सेटअप देखने? बहुत सिंपल है, इट्स अ डायरेक्ट नंबर 9991124835। आप इस पे कॉल करेंगे, 2 to 3 minutes of a conversation will lead to us कि हम लोग आपके प्रोडक्ट को कैसे कैटर कर सकते हैं। आपकी इंक्वायरी अगर बेकरी रिलेटेड किसी भी चीज़ से है तो वी वुड रेफर एंड प्रेफर कि आप हमारे साथ एक बार टच कीजिए, एक बार आप हमारी सर्विसेज और हेल्प लेकर देखिए, एंड आई मेक श्योर कि एक बार आप जुड़ेंगे तो फिर आपको ग्रोथ ही दिखेगी उसके। और कोई ये लेआउट तो देखें, अगर किसी को लाइव डेमो लाइव प्रोजेक्ट देखना है पूरा सेटअप, डेफिनेटली वहां पे कैसे देखते, वो कैसे देख सकते? आप अगर हमसे मीटिंग करते हैं तो हम लोग आपको लाइव चलती बनती हुई ब्रेड फैक्ट्रीज में विजिट करवा के आपके सारे डाउट्स वहीं पर हैंड टू हैंड क्लियर कर सकते हैं। और बात करें टाइम पीरियड की तो कितना टाइम ले लेते हैं आप लोग काइंड ऑफ अभी पूरा सेटअप? 1.5 से 2 महीने के अंदर हम आपको सेटअप पे भी कंप्लीट करके तैयार करते हैं। ओके, 45 to 60 days। तो सर अगर कोई आपके यहाँ पे मुंडका में भी जहाँ पे आपका है ये पूरा सेटअप है तो वहाँ पे भी क्या अगर कोई आना चाहे वो सारी सर्विस रहेंगी? डेफिनेटली हम लोग बिलीव इसमें करते हैं कि हमारी एक मीटिंग थरो मीटिंग हो जहाँ पर हम आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके विजन के बारे में जाने और उसके बाद ही वो जुड़ना और बात करना सही रहता है। तो कॉल पे आप जुड़ सकते हैं, आप मुंडका फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं, आप चाहें तो प्लांट विजिट्स के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। तो एवरी डाउट विल बी क्लियर्ड आपका बिफोर द मीटिंग एंड ड्यूरिंग द मीटिंग ऑल्सो, ताकि आपको जो नया एंटरप्राइज लगाना है आप उसके लिए हेजिटेट ना करें। सो ग्रेट सर, इतनी इन्फॉर्मेशन दी हमने रस सर ब्रेड प्लांट सेटअप के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर दिस कनेक्ट सर। थैंक यू।